Hello friend, today we learn about how to set up PlayLab on demand using the LiveWire movie streaming web portal. आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे हम मूवी स्ट्रीमिंग जो है ऑनलाइन भी कैसे हम पोर्टल को क्रिएट करेंगे, सेटअप करेंगे यहाँ पे देखेंगे. तो हमारा बेसिकली यहाँ पे एक फ्रंट एंड होगा और एक बैक एंड में हम लार्वेयर यूज कर रहे हैं. मीन्स फ्रंट हमारे जो सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है वो लार्वेयर यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमें पहले तो सभी एडमिन फीचर्स है और डालते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह के आपने देखे कुछ तरह के व्यूज आपको देखे. तो पहले तो हमें जो फाइल आपने डाउनलोड की होगी zip फाइल यहाँ पे मुझे मैं क्रिएट कर लेता हूँ. ये zip फाइल को आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगी, आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करनी है, सीधी सर्वर में अपलोड कर देना. जो भी आपका सर्वर हो फाइल मैनेजर में जाके उसे अपलोड करना होगा. बट ये जो हमने फ्रेमवर्क यहाँ पे जो लागर यूज करी तो पहले आपको सर्वर के में पहले लागर को अपडेट करना अपलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा. एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे अपलोड करना तो ये सिंपली सा हो जाएगा इससे. तो चलिए पहले तो हमें यहाँ पे मैं होस्टिंगर का सर्वर यूज कर रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं एक सब डोमेन को क्रिएट करूँगा. तो यहाँ पे प्ले लैब यहाँ पे मैं एक सब डोमेन इंस्टॉल करूँगा. इसलिए यहाँ पे आप अगर तो मेन डोमेन करना चाहे तो आप इजीली कर सकते हो. यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ. तो ये हमारा सब डोमेन क्रिएट हो चुका है. इसके बाद हमें यहाँ पे लार्वेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा इस सब डोमेन में. तो यहाँ पे मैं सिंपल सा अदर में जाके जो हमारी जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं. यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसकी लार्वेयर बेस स्क्रिप्ट यहाँ पे डाला हुआ है. तो ये लार्वेयर तो एक बार यहाँ पे भी हम मोर एट्रीब्यूट में चले जाते हैं सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क लार्वेयर. तो ये कंफर्म है कि ये लार्वेयर फ्रेमवर्क है. तो लार्वेयर में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और इसे इंस्टॉल कर देता हूँ. तो एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी, इसे सेव कर लेना. और मेन यहाँ पे हम सब डोमेन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसे सब डोमेन सिलेक्ट करना. और जो हमारा PHP है वो 8.1 है तो इस तरह से इंस्टॉल करना. इंस्टॉल हो जाने के बाद ये सिंपल सा ओपन कर लेना. एक बार चेक कर लेना कि लार्वेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है कि नहीं हुई. तो एक बार हो जाने के बाद सिंपल सा फाइल मैनेजर में चले जाइए. उसके बाद एक्सेस फाइल फाइल मैनेजर में आपको पब्लिक _HTML मिलेगा. ओके तो यहाँ से ओपन करने के बाद जो हमारा सब डोमेन था प्ले लैब. ओके तो यहाँ लार्वेयर का जो फाइल है वो यहाँ पे है. इसे सिंपल सा मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा. यहाँ पे CD कर देते हैं CD क्रिएट. ओके तो यहाँ पे मैं वो zip फाइल को अपलोड करूँगा जो आपने डाउनलोड की थी. वो सिंपल से zip फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए. ओके वंस वो अपलोड हो जाने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा. सिंपल सा क्लिक और एक्सट्रैक्ट यहाँ पे कुछ भी फोल्डर नेम दे दीजिए. प्लेलैब लिख देते हैं यहाँ पे प्लेलैब और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आप प्लेलैब में चले जाइए. यहाँ पे जो फाइल डाला हुआ है इसे इसके अंदर जितनी भी फाइल है उसे सिलेक्ट ऑल कर लीजिए और मूव कर दीजिए मेन सब डोमेन में. जो हमारा जहाँ पे लार्वेयर का जो मेन था वहाँ पे मैं डाल दूंगा इसे. तो सभी फाइलों में यहाँ पे रिप्लेस. ओके तो ये हमारा बेसिकली ये डन हो गया है. तो इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं. यहाँ पे या हमें चेक करनी पड़ेगी फाइल PHP कॉन्फ़िग सभी अनेबल है कि नहीं है, सभी एक्सटेंशन अनेबल है कि नहीं. यहाँ पे मैं आप देख सकते हो कि
PHP 8.1 मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो वही रखना। यहाँ पे मेंशन की गई है कि सी प्लानर में PHP ने 8.1 होना चाहिए और ये सभी एक्सटेंशन अनेबल होने चाहिए तो प्रॉपर वर्क करेगा, नहीं तो कुछ आपको एरर शो होगी। तो मेक श्योर कि मोस्टली सभी जो एक्सटेंशन है वो अनेबल हो रहे। यहाँ पे फील टोकनाइज एक्सटेंशन जो यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी, तो एक बार चेक कर लीजिए। अगर चेंजेस है तो इसे सिंपल सा सेव कर लीजिए, वीडियो ऑल दिस थिंग ओके, फाइल गेट, आप फाइल गेट किए हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन में का करके अनजिप करके यहाँ पे इंस्टॉलर प्लस इंडेक्स डॉट PHP, तो जो हमारा URL है, तो यहाँ से सिंपल सा स्लैश करके इंस्टॉल इंस्टॉल ओके, तो इसे करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा जो हमारा सेटअप है वो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एग्री आप देख सकते हैं, यहाँ पे परमिशन कुछ मांग रहा है 0775 और समथिंग, तो मैं यहाँ पे आप स्पेसिफिक फोल्डर के जो डाला दिखाए गए हैं तरह से क्रिएट कर रहे हैं, और मैं सभी को मैं अपनी ओर से सभी को 777 परमिशन दे दे रहा हूँ और उसके सब फोल्डर और फाइल को भी ओके। तो ये एक बार बाकी सब देख लेते और एक बार रीचेक कर लेते हैं। ओके, सभी डन हो गए हैं, पास हो गए हैं, इसलिए नेक्स्ट है। यहाँ पे आपको वेबसाइट के रिगार्डिंग डेटाबेस डालना पड़ेगा, तो अभी हमने फिलहाल डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है, तो डेटाबेस को पहले क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे लोकल होस्ट है मेरा, तो डेटाबेस डाल देते हैं यहाँ पे। तो पहले तो हमें होस्टिंग में चले जाना है, यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट, यहाँ पे डेटाबेस डाल देंगे ओके। तो ये एक बार हो जाने के बाद यहाँ पे जो डेटाबेस की डिटेल रहेगी वहाँ यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो यूज़र नेम आप अपनी और जो एडमिन क्रेडेंशियल है, यूज़र नेम पासवर्ड आप एक बार सेव कर लेना। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम डाला हुआ है, पासवर्ड डाला हुआ है, ईमेल आईडी डाल देते हैं और नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तभी एक बार आप सेव कर लेना, चेक कर लेना, उसके बाद सिंपल सा इंस्टॉल नाउ। तो ये सक्सेसफुली हो गया है, तो इग्नाइट डन ओके। तो यहाँ पे एक्टिवेट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो फ्रंट हमारा जो फ्रंट पेज था वो सक्सेसफुली शो हो रहा है, बट हमें एडमिन पे आना चाहिए तो यहाँ पे मैं एडमिन लिख लेता हूँ। और यहाँ सिंपल सा जो हमारे यूजर नेम था और पासवर्ड था वो यहाँ से डाल के मैं लॉग इन कर देता हूँ हमारे एडमिन पैनल को ओके। तो ये हमारा एडमिन पैनल सक्सेसफुली हो गया है। तो यहाँ पे आप एडमिन पैनल के थ्रू अपने फ्रंट पेज को मॉडिफाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, जो भी डिटेल आपको चाहिए होगी वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो ओके। यहाँ पे कई सारे फीचर्स हैं जिसमें से आप चेंजेस करके आप अपने रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग डिफरेंट यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मैं कैटेगरी डाल देता हूँ, तो यहाँ पे सब कैटेगरी है, यहाँ पे भी मैं एक स्पाइडरमैन डाल देता हूँ
में, ओके। तो यहाँ से वीडियो जो है यहाँ पे सिंगल क्लिक कर देते हैं, एडिट, यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी आपको पोर्ट्रेट इमेज लैंडस्केप, यहाँ पे टाइटल डाल दीजिए जो भी रखना चाहे, वर्जन जो भी है, अगर कोई वर्जन कैसा रहेगा, या पेड मूवीज सब कैटेगरी, सब कैटेगरी यहाँ पे प्रीव्यू टेक्स्ट डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी स्पाइडरमैन सोनी एंटरटेन, ओके। यहाँ पे भी जो भी आप चाहें तो वो डाल सकते हैं, जो भी डायरेक्टर, प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर है, या रेटिंग डालना चाहते हो, जनरल, एक्शन, कॉमेडी, कॉमेडी लिखते थे, लैंग्वेज में कौन कौन से आपके हिंदी कर देते हैं, उन्हें इंग्लिश कर देते हैं, यहाँ पे कास्ट है, तो मेरी पीटर इस तरह से सिंपल सा है। यहाँ पे इस तरह से आप जो भी डिटेल आपको चाहिए होगी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के। सिंपल सम यहाँ पे डायरेक्टर जो भी आप डाल, आप सबमिट कर दीजिए, फिर यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करनी होगी। अगर अपलोड करना चाहते हो और लिंक है तो लिंक से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे URL डाल दीजिए और अपलोड कर दीजिए, तो आपका ये शो हो जाएगा। अगर आप ऐड डालना चाहते हो ऐड कर दीजिए, तो ये स्टार्टिंग में शो होगा इसका, ओके। 00 ओके, यहाँ पे सबमिट और बैक। तो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा फ्रंट पेज, यहाँ पे भी अगर आप वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो URL फ्रंट पेज में एक बार चेक कर लीजिए। प्ले, ओके, ये लोड हो रहा है। इस तरह से आप मर्जी हो, यहाँ पे एक वेबसाइट को, इस प्लेलिस्ट को, या वेबसाइट जो वीडियो ये है मूवीज की प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मल्टीपल मूवीज ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो एडवर्टाइजर है कौन कौन से एड शो हो, कैसे शो होना चाहिए, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने यूजर्स है कैसे ईमेल आईडी को एक्सेस में कंफर्म करे, पेमेंट मेथड कौन कौन सी रहेगी, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसे स्टेटस पर या क्लोज कर सकते हो, पेटीएम, पेपल है, और भी ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे कई सारे फीचर्स है, आपके रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से आप टेम्पलेट, हमारे पास दो टेम्पलेट, यहाँ पे बेसिक सिलेक्टेड है, यहाँ पे लेस भी कर सकते हो,
ये एप्स कैसे रहेगा, उसका बैकग्राउंड एप्लीकेशन कोर वेरिफिकेशन वेरीफाई, ठीक है। तो ये सब सारे आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड यहाँ से अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट फिल्म। ओके, और एसएमएस वेरिफिकेशन इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी डेटा हो गई यहाँ चेक कर सकते हो, पर बैकएंड इस तरह से में जो फ्रंट एंड एक्सेस मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।